देखिए रिकॉन्सिलेशन जो है एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें कस्टमर से रिलेटेड वो सारे हम डाटा को वैलिडेट करते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड है। तो अब कस्टमर से रिलेटेड कितने तरह के डाटा हो सकते हैं, तो उसमें दो चीज़ होता है, हमने उनको प्रोडक्ट दिया और उसके अगेंस्ट में हम उनको बिल करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में कस्टमर हमें पेमेंट देंगे। दो कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे कि वो जो पेमेंट है और हमने जो बिल किया उसमें उनके लेजर में और मेरे लेजर में जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को रिकॉन्सिलेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम रिकॉन्सिलेशन का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि रिकॉन्सिलेशन में हम पहला क्या चेक करेंगे, तो क्या करते हैं, तो कस्टमर को बिल करते हैं। तो हमने जो बिल किया है कस्टमर को वो एज पर एग्रीमेंट किया है कि नहीं, उसमें वही एग्रीमेंट के अनुसार क्वांटिटी है कि नहीं, उसी एग्रीमेंट के अनुसार प्राइस लगा है कि नहीं, जीएसटी सही लगा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ लगना चाहिए सीजीएसटी एसजीएसटी और लगा दिए यूजर ने आईजीएसटी। तो आपको पहला ये चेक करना है कि इनवॉइस जो आपने कस्टमर को किया है वो सारे सपोर्टिंग को चेक करना है, इनवॉइस करेक्ट बना है कि नहीं, उसमें कुछ इशू तो नहीं है जिस कारण हमारा उनका लेजर में जो है डिफरेंस आ रहा है। तो पहला तो आपको इनवॉइस चेक करना है अच्छा से। अब दूसरा आपको चेक करना है कि जब आप कस्टमर को इनवॉइस दिए और इनवॉइस के अगेंस्ट में उन्होंने जो पेमेंट दिए, तो आपको ये पेमेंट देखना है कि क्या उन्होंने जो पेमेंट दिया है सो उन्होंने इनवॉइस बाई दिया है या उन्होंने पार्ट पेमेंट दिया है। अब उसमें फिर चेक करना है कि उन्होंने जितने पेमेंट दिए हैं क्या एक्चुअली हमारे बैंक में वो सारे क्रेडिट हुए हैं। उस सारे पेमेंट को आपको अपने बैंक से उसको वैलिडेट करना है कि सारे ये इतने पेमेंट जो उन्होंने कस्टमर ने दिखाया है तो वो सारे के सारे क्रेडिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर क्रेडिट हुए हैं तो फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कुछ दिक्कत है। या तो दिक्कत ये हो सकता है कि कस्टमर ने जो पेमेंट दिखाया है वो उन्होंने यूटीआर नंबर तो दे दिए, पेमेंट डिटेल तो दे दिए, हो सकता है कि बैंक ने डिक्लाइन किया होगा कोई ट्रांजेक्शन जिस कारण हमारे बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो उनके अकाउंट में लेजर में जो है वो पेमेंट दिख रहा है, हमारे लेजर में वो पेमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें क्रेडिट नहीं मिला है। पहला ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हमने उनको प्रोडक्ट तो डिलीवर दे दिया है लेकिन उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हमने जो इनवॉइस रेज किया, हो सकता है कि उनको इनवॉइस मिलाना हो जिस कारण उनके लेजर में इनवॉइस नहीं है और हमारे लेजर में वो इनवॉइस है, तो ये भी डिफरेंस का कारण हो डिफरेंस का सकता रीजन है। हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट दे दिया, कंपनी के बैंक में क्रेडिट भी हो गया लेकिन कस्टमर के लेजर में उसका पीआरए नहीं हुआ है जिस कारण डिफरेंस है। तो यही तीन रीजन जनरली होता है। तो इस तरह से आप कस्टमर का जब रिकॉन्साइल करते हैं तो आपको ये सारे पहलू पे ध्यान दे के तब रिकॉन्साइल करेंगे, तो आपका रिकॉन्सिलेशन एक्चुअल रिकॉन्सिलेशन होगी जिस पे आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा और सारे के सारे कहेंगे कि ये एक्चुअल है जो सुधार करने की ज़रूरत है। फिर उस जो गलत हुआ है उसको फिर अगर आपके लेजर में हुआ है तो आपको सुधार करना पड़ेगा, अगर कस्टमर के लेजर में गलत हुआ है तो उनको सुधार करना पड़ेगा, जिससे दोनों आदमी का बिजनेस आगे स्मूथली चलते रहे।
तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।